गया पुलिस की रोको टोको अभियान में मिल रही सफलता। रांची से चोरी हुई बाइक के साथ अपराधी गिरफ्तार। गया में इन दिनों अपराध नियंत्रण को लेकर गया पुलिस द्वारा रोको टोको अभियान चलाई जा रही है, ताकि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसी क्रम में गया पुलिस ने रामपुर थाना क्षेत्र से मिर्जा गालिम गोलंबर के पास चोरी की बाइक के साथ एक अपराधी को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। इस संबंध में रविवार की दोपहर एसएसपी आशीष भारती ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर गया पुलिस के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग तथा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रामपुर थाना क्षेत्र के मिर्जा गालिम गोलंबर के पास पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक व्यक्ति अपाची मोटरसाइकिल के साथ आ रहा था। जैसे ही पुलिस को देखा वैसे ही वो भागने लगा। पुलिस ने उसे खड़ेद कर पकड़ा। इस दौरान उसका गाड़ी का पेपर नहीं था। जब रजिस्ट्रेशन जांच की गई तो वो भी फर्जी पाया गया। पकड़ा गया व्यक्ति का नाम अभिषेक कुमार, जो परैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं उन्होंने बताया कि जांच क्रम में पता चला कि बरामद अपाची बाइक वर्ष 2022 में पड़ोसी राज्य झारखंड से रांची से चोरी हुई थी। गया पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए लगातार वाहन चेकिंग तथा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जो रामपुर थाना की पुलिस के द्वारा मिर्जा गाली गोलंबर के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था, और उसी दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल से एक युवक वहां पर आ रहा था, और पुलिस के द्वारा जब उसको जांच के लिए रोका गया तो युवक पुलिस को देख करके अनुग्रह नारायण कॉलेज की तरफ भागा, जिसे पुलिस के द्वारा उसको खदेड़ करके उसको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा अपना नाम अभिषेक कुमार बताया गया है, जो कि परैया थाना का रहने वाला है, और जो मोटरसाइकिल के संबंध कागजात जब उससे मांग गया तो उसके पास कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं था। जब लेकिन इस संबंध में जब सत्यापन किया गया है तो पाया गया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उस पर फर्जी था, और जो मोटरसाइकिल थी वो रांची में वर्ष 2022 में वो चोरी हुई थी, और जिस संबंध में लोअर बाजार रांची थाना कांड संख्या 282/22 दर्ज है। इस प्रकार से जो उक्त अपराधी की गिरफ्तारी हुई है तथा एक चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद।